नमस्कार, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा और आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में नवरात्रों की धूम है, पूरा देश भक्तिमय माहौल में है। इन नवरात्रों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब हमें नवरात्रों में भगवान श्री राम की जीवन लीलाओं के बारे में एक रंगवन से देखने को मिलता है। इसी को लेकर आज हम ये चर्चा आरम्भ करने जा रहे हैं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ हैं रामलीला क्लब चंबा के कलाकार और मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान नीरज महाजन जी, राकेश महाजन जी, रितिका जी, गुंजन जी, दीपिका जी। तो आइए आरंभ करते हैं आज के इस चर्चा को। पहले मैं शुरुआत करता हूँ रामलीला क्लब के प्रधान धीरज महाजन जी के साथ। धीरज जी, रामलीला क्लब जो है वो इतना बड़ा इंतज़ाम जो करता है, इसकी तैयारियाँ किस तरह होती हैं? पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये सारा कार्यक्रम सब कुछ श्री राम जी की कृपा से होता है। बाकी हमारी सब लोगों की मेहनत है, हमारे साथ जुड़े जो क्लब के सदस्य हैं वो सभी तीन चार महीने से बहुत प्रयास करते हैं अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सारे दिन महाजन हॉल में हमारी रिहर्सल होती है, तीन चार महीने में हमारी रिहर्सल वगैरह चलती है, जिससे हमारा जो रंगमंच का कार्यक्रम है वो बहुत ही सफल होता है। बाकी हम सब लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं और हमारा सबसे पहले मेन मोटिव यही रहा है कि हम अपने इसको रंगमंच को कैसे अच्छे से अच्छा सजाएं। इसके लिए हमने सारा प्रोग्राम अपने सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हैं और सारा चॉकआउट करते हैं कि कैसे इनको तैयार किया जाए। धीरज जी, आपने रामलीला चंबा के लिए नया क्या किया है? पुनीत जी, सबसे पहले तो हमने दुर्गा पूजा का आरम्भ किया है और साथ साथ हमने सजावट के लिए बहुत खास ध्यान दिया है और हमने अपने साथ नए कलाकारों को जोड़ा है। हमारे साथ पुराने कलाकार तो साथ हैं ही हैं, बट जो हमारे साथ नए कलाकार आए हैं उनका हमारे साथ बहुत ही साथ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनका प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हमारे साथ लोगों का प्यार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है। जैसा मैं देखता हूँ रोज़ कि बच्चों का खास रुझान रहता है रामलीला के लिए, तो वो किस तरह से आप उस चीज़ को करते हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा आ रहे हैं? क्या चीज़ आपने नई ऐसी ऐड की है? बच्चों का तो मेन रुझान होता है जी स्टेज पे आने के लिए, तो हमने सबसे पहले ये रखा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, उनको रोल के माध्यम से उनको अंदर रंगमंच में बुलाया जाए ताकि वो आगे आने वाले वक्त में और अच्छा प्रोग्राम अपना कर सकें। मेरे साथ राकेश जी भी हैं जो भगवान राम का रोल करते हैं रामलीला चंबा में, तो आइए जानते हैं कि वो किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं। सर, तो आप बताइए, आप किस तरह से इसकी तैयारी करते हैं, क्या नित नियम आप इस रोल के लिए करते हैं, उसके बारे में आप बताइए। पुनीत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान राम का किरदार करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम तो भगवान राम के चरणों की धूल के अंश मात्र भी नहीं है, लेकिन ये भगवान राम की ही कृपा है कि हमें उनके रूप में खड़े होने का मौका मिलता है। इस पाठ को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नित नियम रखने पड़ते हैं। नित नियम ये नहीं कि हम उन नित नियमों को सिर्फ नवरात्रों के दिनों में ही करते हैं, हमारी अंदर से एक इस तरह का विचार आचार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हम इस तरह का ही बन के रहें। तो नवरात्रों की जब तैयारियां हमारी आरंभ होती है, ये रक्षाबंधन वाले दिन से आरंभ होती है जी। तो रक्षाबंधन वाले दिन हम भगवान राम जी के मंदिर बनगोटू में, वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद झंडा लेके चलते हैं और वो जो झंडा हम जुगान पे रंगमंच के पास आके गाड़ते हैं और झंडे को पकड़ कर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम जो भगवान राम जी का कार्य कर रहे हैं उसमें अपना बढ़ चढ़ कर और नित नियम के साथ पूरा सहयोग करें। इसके अलावा जब हमारी रिहर्सल्स की तैयारी चलती है तो उस दिन से ही हम अपने आप में परिवर्तन देखना आरंभ कर देते हैं। परिवर्तन का मतलब ऐसे, हम उस दिनों से नित नियमों में ढल जाते हैं, नित नियम शुरू कर देते हैं, तो एक ऐसा एहसास हमें लगता है कि हमें जो भी देखेंगे तो उनको लगना चाहिए कि ये जो राम भगवान जी का किरदार कर रहे हैं इनमें कुछ ऐसा है कि जो इस लायक हैं। नित नियम से क्या आपका? नित नियम से हमारा कहने का मतलब ये है मेरा कि हम नवरात्रों के दिनों में 10 दिन व्रत रखते हैं जी, हम खाना नहीं खाते उन दिनों। तो जब रात को जब कार्यक्रम हमारा ख़त्म होता है तो उसके बाद जो भगवान राम जी का भोग होता है उसी को खा के हम अपना व्रत तोड़ते हैं जी। इसके अलावा जब भी हम स्टेज पर जाते हैं तो उससे पहले हम स्नान वगैरह करके जाते हैं जी। उसके अलावा जब हम भगवान राम जी के वस्त्र धारण करते हैं, वहाँ पे जब मुकुट पहने, तो उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल अलग बैठें और किसी से भी कोई बात ना करें जी।
इसके अलावा जब हम स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त हमें ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होता कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं या हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पे इस तरह का भक्तिमय माहौल होता है कि ऐसा लगता है कि हम भगवान राम के चरणों में कुछ काम कर रहे हैं जी। इस तरह के नित्यनियम हम करते हैं, 10 दिन तो बिल्कुल करते हैं। तो वैसे भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आदर्शों को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। राकेश जी, जब आप इस रोल को करते हैं, निभाते हैं, तो कौन सा पार्ट जो है आपको टफ लगता है करना रोल के तौर पे, कि जब कोई ऐसा सीक्वेंस तो होगा जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम जी का किरदार करने पे जब मैं स्टेज पे जाता हूँ या कोई किरदार करता हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल शून्य समझता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ करना है। तो मैं राम जी की मूर्ति या फोटो के आगे माथा टेक के जाता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ, राम जी अब आप ही सब कुछ हो, मैं तो शून्य हूँ बिल्कुल जी। तो बात है कि कौन सा रोल, कौन सा किरदार या कौन सा सीन करने में मुझे मुश्किल आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं अच्छे से अच्छा अपना कर पाऊँ जी। इसके लिए शक्ति जो भगवान राम की ही होती है जी। रही बात रोल की, तो ऐसा है मेरे को जो है वनवास का सीन, उसको करने में थोड़ा चैलेंजिंग सा लगता है जी। जी, वहाँ पे इतने करेक्टर्स होते हैं कि सभी के साथ उनके लेवल पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही। और जो हमारे साथ करेक्टर है, सीता माता जी है, कुशल्या माता जी है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इनके साथ इनके बराबर का काम कम से कम करूँ। बिल्कुल। इसके अलावा लक्ष्मण मूर्छित का सीन है जी, उसमें इस तरह का सिचुएशंस होती है कि एक गम का सीन होता है वो जी। तो वो करने के लिए एक आम आदमी के आंसू निकालना बहुत मुश्किल काम होती है। तो उसके लिए कुछ ऐसा माहौल शुरू से ही क्रिएट करना पड़ता है, कुछ अपने दिमाग में ऐसी प्लानिंग्स करनी पड़ती है कि जैसे कुछ अपने आप को बुरा लगे और वो आंखों से पानी निकल के वो सामने आए वो बात। जैसे कि आपके पिताजी भी राम के रोल में रह चुके हैं, उनसे भी कुछ आपको मिलता है गाइडेंस की आप ऐसे इस चीज़ को ठीक कर रहे हैं, इस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं? नहीं, मेरे को सारी गाइडेंस उन्हीं से मिलती है। जब मैं बिल्कुल छोटा था तो मैं इनके पास आके बैठता था रिहर्सल रूम में जी। जब ये करता भी मेरे को बड़ा वो लगता था कि यार कभी मैं भी ऐसा पार्ट करूं जी। तो पर मेरे में बहुत ज़्यादा झिझक थी जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भगवान राम का किरदार करने का मौका मिलेगा जी। तो जो कुछ भी सीता माता के रोल में भी रितिका जी अच्छा काम कर रही हैं। रितिका जी, आप बताइए कि कैसे आप इस चीज़ को करती हैं, क्योंकि इससे पहले तो कोई लड़की रामलीला के मंच पे आई नहीं जी। तो आप पहली जो हैं महिला हैं जिन्होंने सीता का रोल किया। तो सबसे पहले हाँ। तो मैं थैंक्स करती हूँ जो रामलीला पूरा क्लब है, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे सीता माता का पार्ट करने का मौका दिया। और मैं, मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि मैं इस पार्ट को कर रही हूँ। मेरे को ये पार्ट 6 साल हो चुके हैं करते, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बस ये चाहती हूँ कि इस स्टेज के साथ और फीमेल आर्टिस्ट जुड़े, और जितनी भी यहाँ पे टैलेंटेड बहुत से बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो यहाँ पे आए हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वही संभालेंगे इस स्टेज को। तो बस दुख यही है कि लड़कियाँ बाहर नहीं आ रही हैं, और ये स्टेज इतनी अच्छी है, इस स्टेज के साथ जुड़ने के बाद मेरे साथ, मुझे स्पेशली जो है मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आई है। मुझे भगवान श्री राम ने बहुत कुछ दिया है, सबसे बड़ी बात है हम लोग खुश हैं। और बस यही है कि चंबा में जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं वो भी आए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, कि आने वाले टाइम में ये रामलीला और भी अच्छे लेवल में देखी जाए। धीरज जी, जिस तरह से आप रामलीला चंबा में जो करवा रहे हैं, मंच जो चला रहे हैं, इसके लिए तो काफ़ी खर्चा होता होगा, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? पुनीत जी, ऐसा है, सब राम जी की कृपा है, फंड्स तो सभी अपने आप ही इकट्ठा हो जाते हैं। सभी चंबा वासियों का बहुत सा सहयोग रहता है कि कभी भी हमारे लिए फंड्स की कभी कभी नहीं हुई। हमें जितना जितना फंड चाहिए होता है वो राम जी की कृपा से सारा पूरा हो जाता है। बाकी हमारे क्लब के जो मेन सारे सदस्य हैं वो सब मिलजुल के सारा फंड्स वगैरह इकट्ठा करते हैं। चंबा वासियों की सबसे कृपा रहती है कि सबसे इकट्ठा फंड मिल जाता है और हमारा इवेंट कार्यक्रम है जो बहुत बढ़िया हो जाता है। जैसे इस बार देखने को कि दुर्गा माता की मूर्ति बहुत अच्छी बनी है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप सारा, किस तरह से इस चीज़ को आप? पुनीत जी, सबसे तो पहले तो ये दुर्गा माता भक्ति जो बनती है उसके लिए हमने जो वहाँ से आते हैं, वो बिहार से आते हैं जो बनाने के लिए आते हैं, वो मतलब लगभग 1 महीने पहले आ जाते हैं। वो सारी दुर्गा भक्ति का पूरा फ्रेम बनाते हैं, वो उसको तैयार करते हैं, उसके बाद दशहरे के दिन हम इनका विसर्जन कर देते हैं। जी जी जी। मेरे साथ इस वक्त गुंजन जी हैं जो कि
रामलीला में बहुत ही मुख्य किरदार निभाते हैं, ये अपने बारे में खुद ही बताएंगे। पुनीत जी, सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं। मैं पाठ करता हूँ खरदूषण का। हाँ जी। और एक भगवान राम जी ने जी का आशीर्वाद है, 10 दिन कभी राक्षस बनता हूँ, कभी हंसाने वाला सीन करता हूँ, और काफ़ी मज़ा आता है। 10 दिन पता नहीं लगते, 10 दिन कैसे बीत जाते हैं। और भगवान राम का बहुत आशीर्वाद रहता है, मज़ा आता है कि हमें भी राम भगवान की सेवा का, चरणों को छूने का मौका मिलता है। जी, तो वैसे तो आप पीछे आवाज़ें भी बहुत निकालते हैं। जी, जैसे ताड़का चाची बनती है तो ताड़का चाची का बैक से साउंड वाजे मैं ही निकालता हूँ। जी, और काफ़ी मज़ा आता है। काफ़ी मज़ा आता है। रामलीला में पॉजिटिव रोल तो करने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है, परंतु नेगेटिव रोल के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। ऐसे में एक फीमेल आर्टिस्ट है जिनका नाम दीपिका है, और वो विभिन्न प्रकार के नेगेटिव रोल करती आई हैं। तो आइए बात करते हैं दीपिका जी से। दीपिका जी, किन किन किरदारों में आप जो है वो अभिनय करती हैं रामलीला चंबा में? सबसे पहले तो फर्स्ट है मेरा पृथ्वी माता का होता है, फिर उसके बाद मैं केकेई का करती हूँ, श्रूपनखा का करती हूँ और सुलोचना का करती हूँ। तो दो जो पार्ट है मेरे वो नेगेटिव हैं, और जिनको करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि नेगेटिव पार्ट में जो है कि एक्टिंग का बहुत स्कोप होता है। अच्छा, तो जिस तरह से आपको श्रूपनखा का रोल करने को मिलता है, तो उस चीज़ को लेके कैसे होता है आपको लगता है, क्या जब फर्स्ट टाइम मुझे श्रूपनखा का रोल करने के लिए बोला था तो मैंने मना कर दिया था, कि मैंने कहा था सभी मेरे को छेड़ेंगे कि बोलेंगे ये श्रूपनखा ये वो। हाँ। बट जब मैंने उस रोल को करा तो नेक्स्ट ईयर मैंने खुद ही बोला कि मैंने वो जो रोल करना ही करना है, तो मुझे वो रोल करने का बहुत मज़ा आता है। धीरज जी, जैसे कि मैंने अभी देखा कि रामलीला मंच के साथ कुछ और भी आपने जोड़ा है देवी देवताओं के लिए, कुछ उसके बारे में कुछ बताइए, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? पुनीत जी, सबसे पहले तो हमारी जो दुर्गा भक्ति है जी, वो तो लगभग तैयार है उनका, और आज हमारे 6 भक्ति हमारे स्टेज के साथ और आएंगे जी। उनका साथ रात को नित नियम के साथ पूजा होगी और उनकी आरती होगी रात को 8 बजे जी। और जब हमारे कितना टाइम लगता है आप उस चीज़ को प्ले करने में, डायलॉग्स याद करने पड़ते होंगे, तो किस तरह आप करते हैं सब कुछ? पुनीत जी, रिहर्सल में तो बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग जी, बड़ा अच्छा टाइम निकलता है वो सारा, तो काफ़ी हंसी मजाक भी चलता है जी, तो ऐसा है कि वो एक बड़ा अच्छा वातावरण होता है उस वक्त जी। जी जी, तो जितना इन्जॉय हम रिहर्सल्स में करते हैं उतनी ही अच्छी एक्टिंग हम स्टेज में कर पाते हैं जी, तो वहाँ पर तो खूब इन्जॉय करते हैं हम सभी लोग जी। सर, जो रिहर्सल जो होती हैं आपके, को डायरेक्शन कौन देता है वहाँ पे, किस तरह से वो होती हैं? पुनीत जी, रिहर्सल्स के जो हमारे डायरेक्टर जी हमारे, वो परमेशपुरी अंकल जी हैं जी, तो उनमें टैलेंट ऐसा है कि वो किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं जी। तो हमारे जो कार्यक्रम हम आप रात को हमारा देखते हो, इसको सफल बनाने में मैक्सिमम जो हाथ है वो परमेशपुरी अंकल जी का ही है जी। तो हमें जो भी कुछ सीखने को मिलता है वो वही सिखाते हैं, और वो पूरे तन मन से जी, पूरे अपने 1-2 महीने रिहर्सल्स करवाते हैं सभी को, अपना सारा टाइम वहीं स्पेंड करते हैं वो जी। जी जी, तो गुंजन जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप रिहर्सल्स में होते हैं, क्योंकि आपका रोल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नेगेटिव रोल है। पुनीत जी, बहुत मज़ा आता है जी। जी, जैसे ये मेरी बहन बनती है शुभनखा जी, वहाँ रिहर्सल करवाते हैं पूरी साहब में, कोई गलती है वो सुधारते हैं कि डायलॉग हिसाब से बोलो, यानी कि जो रिहर्सल में होता है पुनीत जी, वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस और वातावरण अलग हो जाता है, यानी कि मज़ा आता है, यानी कि नहीं। पर मैंने कई बार देखा है जब आप रामलीला में कॉमेडी करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है जो आपने गुर्ज पकड़ा होता है वो सही में मारते हैं आप। नहीं, ऐसा भी देखा है मैंने कई बार, सही में आप किसी को उठा रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, तो क्या वो हम सब कुछ, क्या वो रिहर्सल में भी होता है? नहीं, 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 स्टेज में नहीं, क्या होता है कि ये सब राम भगवान जी का कार्य है, जब हम स्टेज में चढ़ते हैं हमारी मनसा नहीं होती कि इसको मारने या कुछ है, कुछ पता नहीं अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आती है कुछ अच्छा करे, यानी कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचता ना अगर पहुंचा राम भगवान की कृपा से, कुछ है कि जो हम पब्लिक को दिखाएं कुछ अच्छा से अच्छा दिखाएं, कुछ बेस्ट करेंगे यार अच्छा लगे। पर बीच में मैंने इसे कल देखा था
कि बीच में चिमयाली फ्लेवर भी आप डाल रहे हैं, चिमयाली भाषा में भी आप। सर पता क्या होता है, देखो हमारी संस्कृति आस्ता आस्ता खत्म हो रही है जी, तो हम अपनी संस्कृति और जो घरों से लोगों को बुलाना, वो देखते हैं कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ अच्छा करें, कुछ हंसी मजाक ना हो। हमारे दर्शक बच्चे भी आते हैं, बच्चे देखते हैं कि हंसी मजाक हंसते हैं बच्चे, जब बच्चे हम हंसते हुए देखते हैं अपने आप ही हमसे चिमयाली भी निकलती है और कुछ अच्छा। जैसे हमारा एक बड़ा अच्छा वो होता है, क्या बोलते हैं, सीता स्वयंवर होता है जी, जी, जी। सीता स्वयंवर में हम रेसल नहीं करते, वो सीता स्वयंवर में राज्य होते हैं, जो 6-7 राज्य बनाए होते हैं और राज्यों को होता है, हम स्टेज से बाहर से अलग आते हैं। उस टाइम क्या होता है, यानी कि राम भगवान जी का इतना आशीर्वाद रहता है, हम खुद ही वो कुछ बना लेते हैं कि कुछ छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं उनको कुछ हंसाएं, कुछ ना कुछ फनी करें, मज़ा आता है। तो खास तौर पे कुछ सीन ऐसे हैं जिनको देखने के लिए स्पेशली लोग आते हैं, जैसे सुरूपनका का हुआ, फिर कुंभकर्ण का हुआ, है ना जी। तो ऐसे सीन ऐसे हैं जो लोग स्पेशली देखने आते हैं, तो जो खाने पीने का सामान जो मिलता है तो बच्चे तो काफ़ी उसमें मज़ा लेते हैं। तो क्या वाकई में इतना खाना पड़ता है उस वक्त? मज़ा आता है जी। उस दिन क्या करते हैं, हम सुबह से कुछ नहीं खाते जी। अच्छा, ये सोचते हैं कि रात को वहाँ पे एक वो करना है, पार्ट करना है। हाँ जी। तो उस टाइम वही बच्चों को हंसाने के लिए केले हैं, सेब है, जलेबी है, आई जाओ कोट। अच्छा, वो हम क्या करते हैं, वो पूरा केला नहीं खाते, वो बच्चों को दिखाने के लिए करते हैं। बाकी जो भूत बने होते हैं, राक्षस बने होते हैं, उनको भी बच्चों को साथ साथ में उनको भी खिलाते रहते हैं। जी, मजा आता है कि हम एक है कि मॉल अच्छा फनी मॉल बने। जी बिल्कुल 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 जी। मैं आपसे ना खुरदूषण का एक डायलॉग सुनना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे को प्लीज़ वो सुनाइए ज़रा। जरूर जरूर प्रीत जी, जरूर सुनाएंगे। ये मेरी बहन सुमना का बनती है, जब क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी इनका नाक काटते हैं तो ये दरबार में आती हैं जी। तो वहाँ जो राक्षस सेना होती है तो वो हंसी मजाक करते हैं कि तू नाक कटी हुई, नाक कटी हुई, बड़ा बहुत पुराना, वर्षों पुराना ये डायलॉग है। तो वो हमें भी 15-16 साल हो गए बनते हुए, तो याद भी हो गया हुआ है। तो जैसे आती है तो राक्षस शोर मचाते हैं, तो मैं एकदम अपने मन से खड़ा होता हूँ, खामोश, ज़्यादा शोर मचाओगे सख्त सजा पाओगे। फिर अपनी बहन के पीठ में हाथ रखता हूँ, बोलता हूँ, नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बता तो बहना शुभनखा ये कैसा घमासान हुआ। जी बहुत बढ़िया। चंबा की रामलीला में मुझे जो खुद में ये महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा दमदार जो रोल करते हैं वो चंबा की रामलीला में जो रावण का रोल करते हैं, तो अमरीश जी है उनका नाम। तो आइए जानते हैं राकेश जी से। राकेश जी, जो अमरीश अंकल जी हैं, बहुत अच्छा किरदार करते हैं रावण का, ख़ास तौर पर उनकी आवाज़ ऐसी होती है कि जब वो बोलते हैं तो गूंजती है, तो सही मायने में करेक्टर में वो नज़र आते हैं, तो कुछ उनके बारे में भी बताइए। मैं उनके बारे में क्या बता सकता हूँ, वो तो हमसे बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं जी, उनमें तो सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है जी। तो मैं ऐसा कहूँगा कि उनके मुकाबले में आज तक कोई एक्टर मैंने देखा ही नहीं है स्टेज पे जी। बिल्कुल। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी, करेक्टर को करेक्टर में किस तरह ढला जाता है ये उन्हीं से सीखने को मिलता है जी। तो ऐसा है कि उनकी एक्टिंग में दम तो है, बहुत दम है उनकी एक्टिंग में सही, और उन्हीं की वजह से हमारी स्टेज एक बड़ा सा मंच लगता है एक जी। उन वो करेक्टर हैं, उनकी आवाज़ में दम है, और उनको करते हुए आज मेरे ख्याल से 48 या 49 ईयर्स हो गए हैं जी। तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और उनके मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में आपको? जी जी, मेरे तो प्रेरणा है वो जी, मैं उनसे सीखता हूँ सब कुछ जी। आपने भी तो लक्ष्मण का किरदार निभाया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं जी, कम से कम मेरे को 16 साल तक मैं इस करेक्टर का, राम लक्ष्मण का रोल करता रहा हूँ जी। उसमें मतलब बहुत मज़ा आता है करने में, उस वक्त हमारा ये होता है कि पूरा हम लगन से करते हैं जी, पूरे नित नियम से वो हमारा रोल होता है। उसमें जब हम इस चीज़ में ढलते हैं तो पूरी तरह इसी लक्ष्मण के रोल में ढल जाते हैं, जो हमारे राम जी हमारे लिए एक स्वरूप के तरह होते हैं राम जी। तो मतलब 16 साल तक तो मैं करता रहा, इस साल थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी होगी कि इस साल मेरे को ये रोल नहीं करना पड़ा जी। बाकी जो प्रभु इच्छा अगर अगले साल होगा तो अगले साल फिर से करेंगे जी। हनुमान का रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हनुमान जी भी काफ़ी अच्छा रोल कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताइए। सर, हनुमान जी का रोल जो है वो हमारे राकेश जी हैं, राकेश मनचंदा जी जी वो करते हैं। उनको कम से कम, वो हमारे से भी सीनियर हैं, उनको 20 साल हो गए हैं कम से कम करते हुए जी जी। वो हमारे अमरीश जी हैं जो रावण का किरदार करते हैं, उनके उनके साथ भी उन्होंने ये रोल किया हुआ हनुमान जी का जी। राकेश जी, आपको जो है वो प्रधान जी से क्या सहयोग मिलता है स्टेज में? पुनीत जी, बात ऐसी है कि हमें सारा सहयोग प्रधान जी से ही मिलता है जी। हमें जो कुछ भी चाहिए होता है हम प्रधान जी के सामने वो बातें रखते हैं जी, और वो उसे प्रोवाइड करने में एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाते हैं
जी जी। तो इस जो रंगमंच में हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जी। इन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए ना वगैरह कुछ नहीं किया जी। तो जैसे हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है जी, हमें अपने जो मेकअप्स की ज़रूरत पड़ती है, सामान की, ऐसा कुछ किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े हम प्रधान जी से बेझिझक बात करते हैं जी। और इन्होंने हमेशा हमारी बात का मान रखा है, कभी किसी चीज़ के लिए इन्होंने मना नहीं किया जी जी। तो ये प्रधान की एक ऊर्जा ही है यंग प्रधान की, कि वो हमें बढ़ावा देते हैं कि हम अपना काम अच्छे से अच्छा करें, और वो अपने काम को अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो मैं बदलाव जो देख रहा हूँ पहले की रामलीला में और अब की रामलीला में, तो उसका क्या पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, आरतियाँ भी सुबह होती हैं आपका, वो किसका आइडिया था जी? ये एक सामूहिक आइडिया था जी, पर इसको निभाने में सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो प्रधान जी का रहता है जी। क्योंकि ऐसा होता है कि आइडिया देना तो आसान काम है, लेकिन उस पर अमली जाम उस काम को करना है वो बहुत मुश्किल काम होता है जी। तो हम लोग तो आइडिया देते हैं प्रधान जी को कि प्रधान जी ऐसा है कि सुबह आरती भी होनी चाहिए जी, अंदर कार्यक्रम इस तरह का भी होना चाहिए, हमें अपनी ड्रेस की व्यवस्था भी चाहिए, तो ये इसको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं जी। इसके अलावा यह है कि आरतियाँ जो होती है इसके लिए बड़े नित नियम होते हैं जी, इनकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है जी। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य है जी। तो ये पूरा जो कार्य है वो विधि विधान से करना पड़ता है। जैसे आपका पहले नवरात्र से अंतिम नवरात्र तक जो है वो पूजा अर्चना होती है, रोज होती है, और ये सारा कार्यक्रम बड़ा विधि विधान से करना पड़ता है जी। तो इसके लिए प्रधान जी ने एक बड़ा अच्छा व्यवस्था की हुई है, उन्होंने अलग अलग कमेटियाँ गठित कर दी है जी। अब जो हमारी पूजा अर्चना होती है, जैसे भगवती जी की पूजा अर्चना होती है जी, तो इसके लिए प्रधान जी ने एक अलग कमेटी बनाई है जिसमें हमारे रामला के पूर्व प्रधान कुछ लोग हैं जी, कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं जी। वो उनकी जिम्मेवारी है कि इस कार्य को वही लोग देखते हैं जी। उनको किसी भी चीज़ की कोई भी जरूरत जब भी पड़ती है वो प्रधान जी के पास जाते हैं और वो उनकी वो जरूरत पूरी कर देते हैं जी जी। बाकी इसको रख रखाव देख रेख ये सारा कार्य जो है वे उन्हीं वरिष्ठ कार्य उनका सदस्यों का है, तो वो अपने कार्य को करने में पूरा सहयोग देते हैं जी। तो हमें अपने सारे वरिष्ठ सदस्यों से, पूर्व प्रधानों से, इन सभी से पूरा सहयोग मिलता है, और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग काम करते हैं। धीरज जी, रामलीला क्लब जो है और भी एक्टिविटीज़ करवाता है, जैसे क्रिकेट भी करवाता है, चेस भी करवाता है, कई और इवेंट्स हैं। प्रशासन से आपको क्या हेल्प मिलती है? पुनीत जी, प्रशासन से तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, सभी जो प्रशासनिक सदस्य हैं हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अभी हमने जो पुतले का कार्यक्रम रखा है वो उस इस बार हमने उसकी हाइट बहुत बढ़ाई है, कम से कम उसको जो रावण का पुतला है 50 फीट है, कुंभकर्ण का 45 है, मेघनाथ का पुतला भी 45 फुट है जी। तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि ये जो इसके बाद हम क्रिकेट का आयोजन भी करते हैं अपनी रामलीला में, चेस कंपटीशन हो रहा है, और चेस कंपटीशन के साथ साथ और भी बहुत सारे इवेंट कराते हैं जी। और हमारे लिए तो ये है प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रशासन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इस बार दशहरा में झांकियाँ भी नई बनाई जा रही है, इसमें जो है हमारे साथ चंबा वासियों का बहुत सहयोग है, हम चाहते हैं कि इस बार दशहरा और बढ़ चढ़ के हो और सभी चंबा वासी इसमें शामिल हो, बाकी जो हमारी कमी पेशियाँ हैं वो तो चलती रहेंगी, और चंबा वासी से ये अपील है कि हमें अपना मार्गदर्शन दे, हमारी कमी पेशियों को नज़रअंदाज करे थोड़ा सा। राकेश जी, काफ़ी लंबे समय से आप जो है रामलीला में काम कर रहे हैं, तो क्या रामलीला में जो कलाकार काम करते हैं क्या उसके लिए उनको मेहनताना दिया जाता है, पेड पेमेंट की जाती है? नहीं पुनीत जी, ऐसा कुछ नहीं है। रामलीला में जो भी किरदार या कोई भी काम करता है, कोई भी सदस्य हैं जो बैक स्टेज काम करते हैं या फ्रंट स्टेज काम करते हैं, तो किसी तरह का भी उनको कोई पेमेंट नहीं की जाती है। सभी लोग श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, अपने श्रद्धा से वो कुछ ना कुछ देते हैं, लेते कुछ नहीं है जी। तो हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं विदाउट पेमेंट काम कर रहे हैं। रितिका जी है, दीपिका जी हैं, ये तो शूटिंग वगैरह भी करती हैं, इनकी एल्बम्स भी आई हैं, ये तो हिमाचल के एक्ट्रेस वगैरह है, फिर पंजाब लोकल चैनल्स में इनके अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जी। तो इन्होंने तो कभी भी हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की जी। तो और ना ही हमें लगा कि कभी इनको पेमेंट करनी चाहिए, ये हमें खुद अजीब सा लगता है जी जी। तो ये लोग बड़ी श्रद्धा से अपना खर्चा करके काम करते हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी स्टेज पर कोई भी लोग पेमेंट में कोई काम नहीं करता। सर, हम छोटे होते से ही ये सुनते आ रहे हैं, जब रामलीला की शुरुआत होती है तो उसमें एक शुरुआती में एक भजन जहाँ चलता है, सुनो सुनो ये दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी, तो इसके पीछे आवाज़ किसकी होती है? पुनीत जी, ये जो भजन है ये बहुत ही पुराना है,
ये उस वक्त है जब हम बिल्कुल ही छोटे होते थे जी। तो इस टाइम में जो ये भजन गाया जाता है इसमें अभी सबसे ज़्यादा सहयोग अजीत भट्ट जी और उनके साथी कलाकारों का है जी। वो अपनी बड़ी मेहनत से इस भजन को तैयार करते हैं और आगे इसका संबोधन करते हैं। ये थे मेरे साथ रामलीला क्लब चंबा के कलाकार और प्रधान, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार नई शख्सियत के साथ हम प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।